हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल व्लॉग्स बाय गीता शर्मा, जहां आप जानेंगे सिलाई से जुड़ी बहुत ही जरूरी जानकारियां। जैसा कि मुझे कमेंट आ रहे हैं फैशन बाय गीता शर्मा पर, मेरे दूसरे चैनल जो फर्स्ट चैनल है उस पर आ रहे हैं कि कई कपड़े जैसे साड़ी वगैरह होते हैं या कुर्ती वगैरह होते हैं वो फट जाते हैं, और फटने के बाद फिर हम लोगों को लगता है कि हमारे लिए व्यर्थ हो गए, हम उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। ये प्रॉब्लम हर घर की है, हर घर की मीन्स हर घर की, क्योंकि देखिए ऐसा तो होता नहीं कि बच्चे कपड़े नहीं फाड़ते, या बच्चों को तो छोड़िए, हम लोग जब कपड़े पहनते हैं तो कई बार कहीं अटक जाते हैं या हम पिन लगाते हैं तो हमारी साड़ी भी ख़राब हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ, और बिल्कुल भी मेहनत यह नहीं है और परेशानी भी नहीं है, और बहुत ही कम खर्चे में आप अपने कपड़े को जो फट गया है या कट गया है, कहीं से चिर गया है, उसे ठीक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह की एक टेप आती है जिससे, जिसका नाम, आप वीडियो को पूरा देखना जब ही आपको समझ में आएगा कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। मैं आपको इसमें यूज़ करना भी बताऊँगी इस वीडियो में, क्योंकि देखिए कपड़े तो फटते ही रहते हैं, कपड़ों का तो कुछ है नहीं, तो ये सॉल्यूशन बड़ा अच्छा निकाला है जिसने भी निकाला है। तो ये टेप है, इसका नाम है रिविल सिविल टेप। अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है, मैं इसे साइड से खोल कर आपको दिखाती हूँ पास से। कुछ इस तरह की ये टेप है, ये कोई सेलो टेप नहीं है या किसी भी तरह की टेप नहीं है, ये है रिविल सिविल टेप जो कि कपड़े के लिए यूज की जाती है। ना ये डॉक्टर वाली टेप है, ऐसा लग रहा होगा आपको, बट बिल्कुल देखिए छलनी सी है, एकदम पतली है, बारीक, ऐसी ये टेप है। और ये टेप ऐसा कमाल दिखाती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने अपने हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड की टी शर्ट है नीचे से थोड़ी फट गई थी, मेरी कुर्ती फट गई थी, भाभी की एक साड़ी है वो कील में अटक कर फट गई थी, तो वो साड़ी उनके लिए व्यस्त हो गई थी क्योंकि सामने फ्रंट से कट गई थी, तो वो भी मैंने इससे चिपकाई है। और यकीन मानिए, कपड़े को मैंने अपने जो हस्बैंड की टी शर्ट है उसको मैं हज़ारों बार मशीन में धो चुकी हूँ, बट लेकिन बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं हुई है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, और ये आपको कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊँगी, वीडियो पर आप पूरे बने रहना। देखिए कहाँ से मिलेगी रिविल सिविल टेप, अगर आप इसका नाम भी भूल जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलाई की थोक की दुकान होती है जिसमें मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है आपको, वहाँ पर जाइए। आप अगर ये भी कह देंगे ना कि कपड़े को चिपकाने वाली टेप दे दीजिए तो भी मिल जाएगी, जो छोटी दुकानें होती हैं उन पर नहीं मिलेगी। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जाइए सीलमपुर मार्केट, वहाँ पर किसी भी दुकान पर किसी भी सिलाई का जो मटेरियल मिलता है वहाँ पर आप बोलिए कि हमें रिविल सिविल टेप चाहिए। अगर आप नाम भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर बोलिए कि कपड़ा चिपकाने वाली टेप दे दीजिए, क्योंकि मैं भी बहुत ही जल्दी, मुझे नाम तो याद ही नहीं रहते बहुत चीज़ों के, तो मैं भी बहुत ही जल्दी नाम भूल जाती हूँ, तो मैं जाकर बोल देती हूँ कि ये करना है इस चीज़ की, वो दे दीजिए, तो वह मिल जाती है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन मुझे पता नहीं है ये कितने की मिलेगी, बट लेकिन ये ऑफलाइन 25 रुपये की मिल जाएगी, 25 रुपये की लाई थी मैं, 20-25 रुपए की इतनी मिल जाएगी, थोड़ी बड़ी होगी तो 30-40 रुपए की होगी। इस तरह की है ये टेप और काफ़ी सारी है। अब ये बताइए, 1 रुपया भी नहीं लगेगा और हमारा कपड़ा पर रफू हो जाएगी, बिल्कुल ओके हो जाएगी, क्योंकि जो सिलाई वलाई हम लगाते हैं ना वो तो दिखाई देती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये आप यूज़ करके देखिए, आपके फटे हुए कपड़े बिल्कुल सही हो जाएंगे, और वो ये हटती भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हटती, क्योंकि ये प्रेस से बिल्कुल जैसे फेविकोल होता है ना, फेविकोल का मजबूत जोड़, वैसे चिपक जाती है। देखिए मैंने तो यूज़ की है और मेरे कपड़े जो हैं, जो भी मैंने यूज़ किया है वो ख़राब नहीं हुए, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे तो ख़राब नहीं हुए। अब आप कहने लगे कि चिपक गया है तुरंत ही फट गया, बट मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, मैंने अपने काफ़ी सारे कपड़े जो हैं चिपकाए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक डेमो कि आपको कैसे कैसे इसको चिपकाना है, बहुत ही ईजी तरीका है इसको चिपकाने का, बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रेसिंग से इसको चिपकाना है। अभी मैं आपको इसको, इसका डेमो दिखाती हूँ कि आपको कैसे इसको चिपकाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक 3D प्रिंट का कपड़ा है मेरे पास है, पहले मैं प्रिंट के कपड़े में ही आपको दिखाऊंगी,
बाद में मैं आपको दूसरे प्लेन कपड़े में भी दिखाऊंगी। ये 1 से 1.5 इंच का मैंने कट लगा दिया है, आपको छोटा सा लग रहा होगा ये कट, देखिए मैंने 1 से 1.5 इंच का लगाया है। अभी मैं एक पट्टी काट लूँगी, इसी कपड़े में से मैंने काटी है। अगर आपके पास ऐसा कपड़े की पट्टी नहीं है तो आप थोड़ा सा कलर मैच होते हुए भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है सूट बना होता है पूरा या शर्ट होती है, हमारे पास कपड़ा नहीं होता, बस उसी कलर का आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने उतनी ही पट्टी काट ली जितना बड़ा मेरा कट है, इसको मैंने उल्टा रख लिया है, ये देखिए इसको अब मैंने उल्टा रख लिया है। अब वो जो टेप मेरे पास है उसको डबल करके मुझे लेना है, सिंगल नहीं लेना है, डबल करके लेना है। आप चाहे तो 3 बार भी फोल्ड कर सकते हैं, पर 2 बार फोल्ड करने पर ही ये काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है। जितना बड़ा कट है उतना ही बड़ा मैंने इसको कट कर लिया है। और जो ये टेप है कपड़े से बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर ये कपड़े से बाहर आएगी तो जो प्रेस है वो इससे चिपक जाएगी और आपकी प्रेस थोड़ी सी कपड़े पे सही से चलेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, ये टेप अंदर ही अंदर रहनी चाहिए। अब मैं इस पर अच्छे से प्रेसिंग कर दूँगी, हल्का हल्का रख के देखें आप अपने कपड़े पर, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए प्रेस और बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं होनी चाहिए, कपड़े के हिसाब से होनी चाहिए, जैसे हम नॉर्मल प्रेस करते हैं वैसे ही। तो अभी देखिए मैंने इधर से प्रेस कर दी है, अभी मैं सीधी तरफ से भी करूँगी, सीधी तरफ से भी हमें एक बार प्रेस कर देनी है जिससे कि ये चारों तरफ से चिपक जाए। इसमें अगर हल्की सी भी इधर की तरफ टेप आई होगी तो वो भी जो है प्रेस से चिपक जाएगी। तो ये हो गया हमारा, 1 मिनट के अंदर अंदर हो गई हमारी रफू, कपड़ा हमारा बिल्कुल ओके हो गया है, ना कोई धागे निकलेंगे, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगी। मैंने अपने काफ़ी सारे कपड़े ड्रेसेस वगैरह जो कभी ख़राब हो जाती हैं वो मैंने ऐसे ठीक की हैं, साड़ी वगैरह भी की है, तो ये बिल्कुल ओके हो गया है। पीछे से भी देखिए, पीछे से कोई धागे वागे नहीं निकलेंगे और आगे से भी जो इसके रेशे होते हैं ना हल्के फुल्के भी निकलते हैं वो भी नहीं निकलेंगे, बहुत ही बेस्ट तरीका है ये। तो इसको एकदम ही आपको खींच के नहीं देखना है क्योंकि गर्म जब होता है तो ये हट जाता है, जब ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल तो ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा, बहुत ही पक्का काम हो जाएगा। और देखिए 1 ही मिनट के अंदर अंदर, अभी मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ जिससे कि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैंने सिल्क का कपड़ा लिया है और इसको मैंने एल टाइप में एक कट लगा दिया है, तिकोना फटता है हमेशा, एल टाइप में ही फट जाता है जब कहीं पर अटकता है कपड़ा, तो वैसे ही मैंने इसको अच्छे से कट लगा दिया है एल टाइप में ही। अब मैं साइड से कपड़ा कट कर लूँगी, अगर सेम कपड़ा नहीं है तो कलर सेम कलर का कपड़ा होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। तो आप चाहें तो इस पर चोरस भी लगा सकते हैं, पर मैं इस पर एल की तरीके से ही 2 पट्टियाँ कट करूँगी, या आप एल की तरह से ही कपड़ा भी काट सकते हैं। ये मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, जितना बड़ा कट है उतनी बड़ी पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं, ये देखिए। अब मैं जो हमारी टेप है इसको डबल कर कर दोनों ही कट पर रख दूँगी, डबल कर कर ही रखूँगी इसको भी, एक कट पर मैंने ये रख दिया है और फिर डबल करूँगी और दूसरे कट पर एल टाइप में इसको मैं रख दूँगी ऐसे, ये हमने रख दिया एल टाइप में। अब ये जो हमने छोटी छोटी पट्टियाँ काटी थी वो हमें इसके ऊपर ही रखनी है, टेप बिल्कुल भी बाहर नहीं होनी चाहिए। देखिए टेप का साइज़ तो हमें पता है कि इतना ही चौड़ा है, उसी हिसाब से हमें कपड़े को कट करना है। और इन दोनों को पीस को मैंने रख दिया है एल की तरीके से, सीधा कपड़ा जो है वो सीधी तरफ ही होना चाहिए, उल्टा कपड़ा उल्टी तरफ ही होना चाहिए। अब हल्का सा साइड में पहले प्रेस मार के देखिए और उसके बाद धीरे धीरे इस कट पर लगा दीजिए, इतना अच्छे से ये चिपकता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और कपड़ा भी ख़राब नहीं होता, आप अगर मशीन में भी वॉश करते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं करती हूँ, मैंने अपने काफ़ी सारे कपड़े ऐसे सही किए हैं। अब देखिए आप फ्रंट से देखिए कहाँ है कट, कोई कट वट नहीं है,
और जो फ्रंट से भी इसके जो धागे हैं, जो कपड़े के कोई भी कपड़े के धागे हैं, मैंने साड़ियाँ तक ठीक की हैं, साड़ियों के भी मतलब रेशे बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। तो ये तो फिर भी सिल्क का कपड़ा है। अभी देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। हल्की हल्की प्रेस आपको बार बार मारनी है। गर्म कपड़े को आपको खींचना नहीं है, बस ये देखना है। गर्म कपड़ा जब हो तब नहीं खींचना है आपको, बिल्कुल भी खींच के नहीं चेक करना है कि सही लगा है या नहीं लगा है। ये देखिए बैक से भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, और फ्रंट से भी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अगर आपसे एक बार चिपकाने में गलती हो जाए तो आप इस यही बिल्कुल जो तरीका है दोबारा से कर सकते हैं। ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सही से नहीं चिपका है तो ख़राब ही हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको सीधी तरफ से दिखाऊंगी अभी। ये देखिए उल्टी तरफ से कहीं से नहीं लग रहा है ना बिल्कुल भी, क्योंकि वो कपड़ा एक के साथ चिपक इतने अच्छे से जाता है। और सीधी तरफ से भी ये देखिए हमारा एल शेप है कहाँ, वो तो ये बिल्कुल प्लेन है। अगर थोड़ा बहुत प्रिंट का है तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। अब ये हो गया है, देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है। इसको मैं कितनी देखिए अच्छे से खींच रही हूँ, आप मेरे हाथों से भी पता कर देख सकते हैं कि मैं इसे काफ़ी टाइट खींच रही हूँ, और ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा। धुलने के बाद भी नहीं हटेगा अगर आप धोएंगे कपड़े तो। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बैक से भी आप देख सकते हैं पता नहीं चलता है, और फ्रंट से भी ये काफ़ी स्ट्रेच करने पर नहीं फट रहा है। देखिए तो इतना आसान है इसको चिपकाना, और इतना सस्ता 1 रुपये के अंदर अंदर कि 1 रुपये अभी देखिए 20 रुपये की इतनी सारी टेप है तो उसमें से लगाई कितना सा टुकड़ा है, ज़रा सा तो 1 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है वो। तो ये देखिए इसको भी मैं खींच के आपको दिखा देती हूँ। साइड से मैंने तिरछा भी देखिए तेज़ी से खींचा है तो ये बिल्कुल ओके है। तो आप इस तरीके से अपनी हर फटी हुई ड्रेस को शर्ट को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपका होल थोड़ा बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो आप उस पर कोई स्टिकर वगैरह लगा दीजिए, वो उससे कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के कपड़े को आप इस तरीके से ठीक कर लीजिए, रफू कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखा ना आपने कितनी कमाल की टेप है ये, तो 1-2 रुपये भी ज़्यादा ही है, 1-2 रुपये में से भी कम में आप अपने कपड़े को ठीक कर सकते हैं। कटा हुआ फटा हुआ या कहीं से चिरा हुआ कपड़ा इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और चैनल को देखिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके जो बेल आएगी उसे क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूले, उसे ऑल पर सेट कर दीजिए जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचेगी, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। अगर आप कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल फैशन बाय गीता शर्मा को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं डिज़ाइनिंग सिखा रही हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है फैशन बाय गीता शर्मा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और नई नॉलेज लेकर। बाय फ्रेंड्स, बाय।